हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेज। सब्यसाची ब्लाउज के बहुत से वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पर देखे होंगे और सबका सिखाने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। मैंने जो तरीका इसमें यूज़ किया है बिल्कुल सिंपल तरीका है और आपको आई होप समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। और ये कटोरी टाइप में मैंने इसकी कटिंग की है, जिस तरह से ब्रा की शेप में कटिंग होती है सेम उसी मेथड से, और बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने इसे सिखाया है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो गला और आर्म होल की मैंने ऑलमोस्ट कटिंग पहले ही से ही कर ली थी, सिर्फ इसमें हम सब्यसाची शेप की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये नेक में शोल्डर मैंने 6 इंच का इसमें लिया है और नेक की लेंथ मैंने मैक्सिमम 10 इंच रखी है। ये 10 इंच ज़्यादा ही हो गई है, आप चाहें तो 8 इंच ले सकते हैं। इसमें 8 इंच लेंथ हम लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो शोल्डर, ये आर्म होल मैंने 6 इंच लिया है और इसकी गोलाई मैंने 1 इंच पे अंदर की साइड में कर ली है, जिस तरह से हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई करते हैं। तो अब हमें इसमें टक्स के लिए सेंटर पॉइंट लेना है। तो जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उसको हम 4th से डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए पहले हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। ये मैंने मार्किंग चेस्ट की करके ही इस पैटर्न को कट किया है, बट इसकी एक बार फिर से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये 9 इंच पे हम चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। 36 साइज़ का हम ब्लाउज़ कट कर रहे हैं। इसमें 1/2 इंच हमने इसमें लूजिंग लिया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन का ऐड कर दिया है। ये देखिए, तो जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर नीचे लिया है कमर के लिए, और लेंथ मैंने इसकी 15.5 इंच रखी है। तो अब हम इसमें सेंटर पॉइंट लेंगे टक्स के लिए। तो जितना हमारा चेस्ट साइज है उसको हम 4th से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आएगा 9 इंच। 1 इंच से 1.5 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। तो 10.5 या 10 इंच पे हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो ये मैंने 10 इंच पे टक्स पॉइंट लगा दिया है और टक्स पॉइंट की विड्थ हम 3.6 इंच पे रखेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट का 10वां जो भाग है वो 3.6 इंच है। तो इसमें मैं 3.6 इंच ही रख रही हूँ। तो ये 3.6 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है और उसको हम इस तरह से ऊपर वाले 10 इंच के सेंटर पॉइंट्स वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से, और साइड में भी हम इतना ही मेजरमेंट लगा कर और एक स्ट्रेट लाइन इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट टू पॉइंट मिला के ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस सेंटर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, जिस तरह से हम प्लीट्स के लिए नीचे निशान लगाते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जितना है 3.6 इंच, दूसरी साइड में भी हमें सेंटर लाइन पर 3.6 इंच का एक मार्क कर लेना है इस तरह से, और नीचे भी हम कप के लिए 3.6 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ हम 3.6 इंच ही मार्क करेंगे, जो हमने सेंटर में ये क्रॉस वाली लाइन जो लगाई है इस तरह से। तो आप चाहें तो वो कप के जितना हमारा चेस्ट साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कप साइज़ का निशान लगाया जाता है। 3 से 3.5 या 1-2 इंच ऊपर नीचे हो सकता है कप साइज़ के लिए, वो चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जिसकी हैवी साइज़ की चेस्ट होती है तो उसमें 1-2 इंच ऊपर, या कम जिसकी चेस्ट साइज़ होता है तो उसमें नीचे भी हो सकता है। तो ये मैंने 3.6 एक्यूरेट ही निशान लगाया है। तो अब हमने ये निशान तो लगा लिया है, अब हम यहाँ पे एक बार कमर के लिए मार्किंग कर देते हैं। तो 8 इंच 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच आता है, और 1.5 इंच हम इसमें प्लीट्स के लिए ऐड करेंगे। तो जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हमने नीचे लगाया था, तो बाकी का जो फैब्रिक 8 इंच को छोड़ के बचता है वो 3 इंच बचता है हमारा।
तो 3 इंच हमने ले लिया है। अब साइड में जो प्लीट्स लगेगी 1/2 इंच वो प्लस कर दिया है, शोल्डर की साइड में 1/2 इंच जो प्लीट्स लगेगी 1/2 इंच वो मैंने प्लस कर दिया है, और जो हमारी हुक पट्टी वाली साइड में लगती है 1/2 इंच वो तो 1/2 1/2 3 बार करके 1.5 इंच हो गया, 3 में हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया है, 4.5 इंच हो गया है। सभी प्लेट्स को मेज़र करके हमने 4.5 इंच टोटल निकाला है, तो 4.5 इंच को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4.5 का 2 पार्ट में होता है 2.25 इंच। तो ये जो हमने सेंटर में लाइन लगाई है साइड फिटिंग वाली जगह में और हुक पट्टी वाली साइड में इस तरह से, तो ये सबसे पहले हम प्लीट्स का निशान लगाने से पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3.6 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट पट्टी निकालेंगे इधर से, और यहाँ पे हम कप हमारा कप की गोलाई लगा रहे हैं, इधर से हमारा कप साइज़ निकल रहा है। तो इस तरह से कप साइज़ की राउंड शेप हम 3.6 इंच को इस तरह से सर्कल बनाते हुए लगा लेंगे। दूसरी साइड में हमें यहाँ पे राउंड शेप नहीं लगानी है, क्योंकि हम ये साइड में जो फिटिंग वाला निशान है उसकी तरफ हम इसको मिलाएंगे। अलग से हम इधर साइड में कोई वो कटोरी बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। तो 4.5 इंच को हम 2 में डिवाइड करने पर हमारा आता है 2.25 इंच। 2.25 इंच को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 2.25 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने जो ये बीच में सेंटर पॉइंट लगाया है यहाँ पर, इसको हम 1/2 1/2 में डिवाइड करके दोनों साइड में निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2.25 का जो हाफ होता है वो इस तरह से इंची टेप को 1/2 में करके और निशान लगा देते हैं। तो आधा हमने इधर निशान लगा दिया है और 2.25 का आधा हमने दूसरी साइड में नेक वाले साइड में निशान लगा दिया है। ये हमने थोड़ा सा बड़ा नेक कट कर लिया है, यहाँ पे मैक्सिमम 8 या 7.5 इंच का नेक ही बेटर होता है। दूसरी साइड में जो हमने सेंटर पॉइंट 3.6 इंच वाला लगाया था उस साइड में भी हमने ये निशान लगा दिया है 2.25 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड करके। अब इन पॉइंट्स को हमें इस तरह से स्क्वायर में मिला लेना है सेंटर पॉइंट से इधर, तो ये आगे तक हम मिलाते चले जाएंगे क्रॉस में। नेक वाली साइड में भी हम इसी तरह से मिला देंगे और दूसरी साइड में भी हम सेंटर पॉइंट से सभी पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, अब इस लाइन को आगे तक हम बढ़ा देंगे इस तरह से। अब हमारा यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेना है, तो मैक्सिमम 2.5 इंच की हम यहाँ पे बेल्ट रखेंगे। ये पेपर पे कम फैब्रिक पेपर कम बचा हुआ है, और जितना हमारा 2.5 इंच बेल्ट है दूसरी साइड में हम 1/2 इंच ज़्यादा लेके और इस निशान को इस 2.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो उससे पहले हम यहाँ पे मार्जिन टू मार्जिन लाइन मिला लेते हैं ऊपर से नीचे इस तरह से, और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देते हैं। तो अब इस कप वाले निशान को साइड वाले निशान से हम मिला देंगे। साइड में हमने 3 इंच लिया है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच की बेल्ट रखी है। तो जब हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट से ही हम फैब्रिक कट करेंगे। ये बेल्ट थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा फैब्रिक को हम बढ़ा के लेंगे। और यहाँ पे जो ये हमने सेंटर पॉइंट बनाए हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉस का निशान लगा है उसको थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट हम राउंड में शेप लगा देंगे। अब सेम इसी जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग हम पैटर्न की कर लेंगे।
तो यहाँ से हमें कटिंग करनी है। ये जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो इस नेक को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, 8 इंच का हम कम करेंगे रखेंगे नेक को। तो इस पैटर्न से हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है, इस तरह से जो मार्किंग हमने लगाई है उस मार्किंग के ऊपर। तो ये मार्किंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है इसलिए ये मार्किंग थोड़ी कम दिखाई दे रही है। आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो ये बेल्ट और ये दोनों कप हमारे कट चुके हैं। तो मार्जिन जहाँ पे हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैंने ये M का निशान लगा दिया है, वहाँ पे हमें फैब्रिक में जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो मार्जिन ऐड करते चले जाएंगे। तो इधर अगर आप हुकाई की पट्टी फ्रंट पार्ट में लगाएं तो इधर मार्जिन लगाएंगे बेल्ट में, अगर बैक पार्ट में आप हुकाई लगाएं तो इस बेल्ट को आप जो डबल फैब्रिक जो होता है बीच में जॉइंट वाला उस पर भी कट कर सकते हैं, तो इसमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेल्ट में, अदरवाइज़ इसमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा 1/2 इंच का। तो ये सभी जहाँ जहाँ मार्जिन मैंने ऐड करना है वहाँ पे मैंने M का निशान लगा दिया है। इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे फैब्रिक पे कटिंग करने के बाद। तो ये ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है, बेल्ट हमें थोड़ी सी 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक पे कट करेंगे तब 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ बढ़ा के हमें लेनी है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा, और अगर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जितना जल्दी हो सके सिर्फ आपके लिए स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करूँगी। तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ये बात बताइएगा कि आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो भी देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।